हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर्ट एंड क्राफ्ट विद टागोर। देखिए, पुराने मग जो पड़ा हुआ रहता है थोड़ा सा टूट जाता है तो उसको हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, तो उसी से मैं एक ऑटो बनाई हूँ। तो इसके लिए एक टूटा फूटा काप चाहिए। आपके पास कोई भी टूटा फूटा काप है तो वो लीजिए, और उसके बाद आप बुलेट ले लीजिए। लेके उसको दोनों को समान माप में लेना है, तो लेके उसको अच्छे से मिक्स करना है। जैसे आटा गूंथते हैं एकदम, जो ब्लैक और वाइट कलर जो है उसको एकदम दिखाई ना देके दो अलग अलग कलर दिख रहा है, तो ऐसे करके जैसे आटा गूंथते हैं ऐसे हाथ में लेके आप थोड़ा सा पाउडर लगा लेंगे तो हाथ में चिपचिपा नहीं होगा। कोई भी पाउडर आप लीजिए, तो उसको लेकर ऐसे अच्छे से गूंदना पड़ेगा एकदम मिक्स करके। देखिए एकदम पूरा मिक्स हो गया, कलर दिखाई नहीं दे रहा है। तो उसको फिर इसका जो जो व्हील है वो बनाएंगे। तो इसके लिए सेम टाइप का मैं दो ली हूँ। लेके इसको ऐसे जो पाउडर का ढक्कन है उससे मैं ऐसे कर रही हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा सा स्ट्रक्चर था, तो ऐसे करके करने से ये एक साइज़ का होगा। आपका पास अगर ये नहीं है तो कोई भी ढक्कन लीजिए, लेके उसको कीजिए। तो ऐसे हैंडल बनाने के लिए मैं ऐसे पहले कर रही हूँ, करके इसको सुखाना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट मैं इसको चिपकाने जाऊँगी तो ये इधर से उधर से खुल जाएगा। तो ऐसे, और ये जो सामने का व्हील है उसके लिए और एक बनाई हूँ। तो ऐसे करके इसको सारे को सूखने देंगे। और एक लाइट भी बनाना है, तो लाइट भी ऐसे करके सामने कर रही हूँ। तो इसको ऐसे सारे को सूखने के लिए छोड़ देंगे। देखिए मैं छोड़ दी थी तो सूख गया था। तो अभी थोड़ा सा और भी जो क्ले है वो लेंगे, लेके उसको थोड़ा सा रख के, और जो व्हील सूख गया था उसको इसके साथ अटैच कर देंगे तो ये सूख जाएगा, उधर ही चिपक जाएगा। थोड़ी देर छोड़ना पड़ेगा, फिर चिपक जाएगा। थोड़ा सा कम लगाएंगे, ज़्यादा लगाएंगे तो दिखने में थोड़ा ख़राब लगेगा। तो ये सामने का व्हील भी, तो ऐसे करके इधर जो हैंडल, जिस तरफ हैंडल है उस तरफ लगाएंगे, और इधर जो हैंडल है वो लगाएंगे, हुई लगाएंगे। सारे को थोड़ा थोड़ा करके ग्लू ऐसे ही, जो हैंड मोल्डेड क्ले का जो मिक्स्ड है तो उसी से ऐसे करके इसको चिपका देंगे। देखिए आपको अभी आपको जैसे कलर मर्जी हो आप ऐसे कलर कर सकते हो। तो मुझे रेड और वाइट में चाहिए तो मैं उसी का कलर कर रही हूँ। और अगर ये ब्लैक कलर का होता तो पहले आपको व्हाइट करके फिर कलर करने से अच्छा रहता, तो लेकिन ये तो व्हाइट के ऊपर ही था कप, तो मैं इसीलिए डायरेक्ट इसके ऊपर रेड कर दी हूँ। तो देखिए ऊपर के साइड में ऐसे येलो हो गया, और अभी जितने भी व्हील है वो सब ऐसे व्हाइट कलर, पहले साइड में ब्लैक दी हूँ और मिडिल में व्हाइट दी हूँ। और आप लोगों को अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, और आप लोगों को कुछ भी नया देखना है तो आप वो भी बता सकते हो, तो मैं पूरी तरह से कोशिश करूँगी। और ये जो ब्लैक के अंदर जो व्हाइट है इसमें मैं वो व्हाइट कलर दे रही हूँ। तो और इसको और भी नेचुरल दिखाने के लिए स्ट्राइप टाइप का व्हाइट कलर से जैसे होता है तो दे रही हूँ। तो ये होने के बाद वार्निश करेंगे इसके ऊपर। तो बर्निश करने के लिए जो मैं ऐसे कलर के दुकान में जो बर्निश मिलता है उसी से करूँगी, और इसको करने के बाद ऐसे 12 घंटे से रात भर छोड़ दूँगी, तो एकदम सूख के एकदम चमकदार हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।